हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल। बच्चों, पेपर सॉल्विंग के क्रम में आज हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स। शब्द है कोयर्स। कोयर्स मीन्स होता है बच्चों मजबूर करना, प्रेशर डालना, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों प्रेशराइज। इस तरह से कोयर्स मीन्स होता है किसी को मजबूर करना और करेक्ट आंसर होगा प्रेशराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जंबल्ड सेंटेंस। हमें करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है, और यदि एक सरसरी निगाह से चारों ऑप्शन को, चारों सेंटेंस को देखा जाए तो सीधे सीधे आपका बी नंबर ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि वाक्य शुरू हो सकता है। कह रहा है 4.7 मीटर लॉन्ग वेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड डे अ डे अर्लियर। कह रहा है कि एक दिन पहले फिलीपींस में एक दिन पहले एक वेल जो फंस गई थी वो मृत पाई गई, और वो कितनी लंबी थी, 4.7 मीटर। अब क्या है बच्चों, बी हम लोगों को फर्स्ट सेंटेंस मिल गया, तो अब चूंकि मृत पाई गई वेल, तो अगला जो कहानी होगा वो वेल के बारे में ही होगा, और वेल के बारे में जो नेक्स्ट सेंटेंस मिल रहा है बच्चों वो ए मिल रहा है, एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड अ नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी मीन्स होता है बच्चों ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम। तो जब कोई डाइड एनिमल मिला तो उसका पहला काम क्या होगा, ऑटोप्सी होगा। तो इस तरह से भी ये ऑर्डर हम लोगों का सही है, बी के बाद ए। इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, ऑटोप्सी के बाद क्या आएगा, ऑटोप्सी का रिजल्ट आएगा बच्चों। ऑटोप्सी के बाद ऑटोप्सी का रिजल्ट आएगा, और डी नंबर सेंटेंस में रिजल्ट मिल रहा है द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूख से वो मरी थी। और इसके बाद जब बी ए डी क्रम मिल गया तो सी अपने आप आपका लास्ट सेंटेंस होगा। इस तरह से 4 नंबर ऑप्शन बच्चों हम लोगों का सही होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, और सेंटेंस है बच्चों इफ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। चलिए बच्चों देखते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंस्ट्रक्शन है पहला। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक रूल पढ़ाया जाता है कंडीशनल सेंटेंस का। जब भविष्य में दो कार्य होने वाले हैं और पहला कार्य किसी कंडीशन से जुड़ा है, अर्थात इफ, वेदर, व्हेन, दैट आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो जिसके साथ कंडीशन जुड़ा है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, और दूसरा वाक्य हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है बच्चों। तो इस सेंटेंस का मतलब है, कोई कह रहा है कि इफ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस फाइंड यू, मतलब यदि तुम अपनी कार यहां पार्क करोगे तो ट्रैफिक पुलिस आपको फाइंड करेगी। मतलब ये दोनों फ्यूचर का सेंटेंस है बच्चों। तो इस तरह से आपका बी नंबर ऑप्शन विल फाइंड यू करेक्ट आंसर होगा। बच्चों याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट की कोई कंडीशन होती है तो इसमें कंडीशंस के साथ जुड़े वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला वाक्य जो होता है बच्चों वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड नहीं बच्चों, यहाँ पे होगा द ट्रैफिक पुलिस विल फाइंड यू। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इडियम्स है। इडियम्स है एट ड्रैगन्स ड्रॉन। एट ड्रैगन्स ड्रॉन मीन्स होता है बच्चों क्रूएल एनिमिटी होता है। क्रूएल एनिमिटी मतलब दुश्मनी होता है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बिटरली हॉस्टाइल, और इसका मतलब भी दुश्मनी भी होती है, हॉस्टिलिटी मतलब भी दुश्मनी ही होता है बच्चों। तो इस तरह से सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन नॉटिंग हिल कार्निवल। एक जो बैंड पार्टी की बात कर रहे हैं बच्चों, और बैंड पार्टी जो है वो क्या करता है, कलरफुल, और चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है बच्चों वो होता है कॉस्ट्यूम्स। बैंड पार्टी का भी एक कॉस्ट्यूम होता है बच्चों, और वो कह रहा है कि वो जो उनकी कॉस्ट्यूम है वो कलरफुल है। तो इस तरह से बच्चों आपका कॉस्ट्यूम करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम्स का है, और एंटोनिम्स पूछ किसका रहा है, स्केयर्स का। स्केयर्स सिटी बच्चों आप सुनते होंगे, जिसका मतलब होता है अभाव या कमी। स्केयर्स मतलब होता है कम, और प्लेंटीफुल मतलब होता है पर्याप्त, ज्यादा। तो इस तरह से स्केयर्स का एंटोनिम्स बच्चों होगा प्लेंटीफुल।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन है जो बच्चों वो एक्टिव पैसिव पर आधारित क्वेश्चन है। बच्चों सेंटेंस पैसिव में दिया गया है, इसका हमें एक्टिव फॉर्म बनाना है। एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बींग थ्रूअली चेक्ड बाई द गार्ड। बच्चों देखिए वॉज बींग का प्रयोग हुआ है पैसिव वॉयस में, मतलब एक्टिव वॉयस में सीधे सीधे वॉज का प्रयोग होगा, क्योंकि जब एक्टिव वॉयस में वाज वर का प्रयोग होता है तो उसका पैसिव वॉयस बनाते समय वाज वर के साथ बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहां ऑलरेडी वाज बीइंग आया है पैसिव वॉयस में, इसका मतलब इसका एक्टिव वॉयस वाज या वर केवल सिंगल ही रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, चूंकि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट द गार्ड्स है तो यही हमारा एक्टिव वॉयस का सब्जेक्ट बनेगा, और ये गार्ड्स जो है प्लूरल है बच्चों, तो एक्टिव वॉयस में वर का प्रयोग होगा, द गार्ड्स वर। अब हम देखते हैं बच्चों ये कहां मिल रहा है, और थर्ड नंबर ऑप्शन में हमें मिल रहा है बच्चों द गार्ड्स वर। हमको और आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप एग्जाम में टाइम बचाने के लिए केवल इतना देख लीजिए कि वर्ब अगर करेक्ट है तो आगे बढ़ जाइए, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द गार्ड्स वर और इसके बाद ट्रूअली चेकिंग, क्योंकि एक्टिव वॉयस में वाज वर्ग के साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है बच्चों, तो यहाँ पे चेकिंग हो गया। और वाक्य का जो सब्जेक्ट है एवरी पासिंग व्हीकल्स, ये आपका एक्टिव वॉयस का ऑब्जेक्ट बन गया एवरी पासिंग व्हीकल। इस तरह से आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो गया बच्चों, मगर एग्जाम में आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया कि 90% क्वेश्चन में जो इस तरह के पैसिव और एक्टिव वॉयस के हैं, आप केवल वर्ब चेक करिए, अगर वर्ब आपको करेक्ट मिल जा रही है तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है बच्चों। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेड ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। कह रहे हैं कि हमें डिक्लाइन मीन्स होता है मना करना, हमें सेवरल ऑर्डर्स मतलब बहुत सारे जो ऑर्डर आएंगे वो हमें मना करना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन रुका हुआ है। और क्यों रुका हुआ है, क्योंकि लेबर स्ट्राइक चल रही है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बच्चों इन केस दैट का प्रयोग नहीं होगा बच्चों, यहाँ सीधे सीधे बिकॉज का प्रयोग होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑर्डर जो है वो लेने से मना करना होगा। वो क्यों मना करना होगा, क्योंकि जो लेबर का स्ट्राइक चल रहा है उससे हमारा प्रोडक्शन बाधित है। तो यहाँ पे इन केस दैट का प्रयोग ना होकर बच्चों सीधे सीधे बिकॉज का प्रयोग होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ स्टूडेंट हु आइडियली आर विदाउट एक्सक्यूज अब्सेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। जो स्कूल से अधिकतर बच्चे स्कूल से जो अनुपस्थित रहते हैं स्कूल में, उनको ट्रुएंट कहा जाता है बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, और हमें जो रॉन्गली स्पेल्ड मिल रहा है बच्चों ए ई एक्स पी एल ओ आई टी ई एक्सप्लॉइट ही रॉन्गली स्पेल्ड है, यहाँ ई का प्रयोग नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी रॉन्गली स्पेल्ड ही है बच्चों, और यहाँ पे हमें थर्ड नंबर ऑप्शन जो है कैलेंडर सी ए एल ए एन डी ई आर नहीं होता है बच्चों, सी ए एल ई एन डी ए आर होता है बच्चों। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, देखते हैं। अ पर्सन एनिमल आर प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। कोई भी आदमी या जानवर या कोई पौधा जब अपने नॉर्मल हाइट से छोटा रह जाता है तो उसको हम लोग हिंदी में बौना कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डॉर्फ कहा जाता है बच्चों। डॉर्फ मीन्स होता है बौना, जो नॉर्मल हाइट से कम रहता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंबल्ड सेंटेंस का है, चार सेंटेंस है बच्चों, हमें इसे सही क्रम में अरेंज करना है। तो आइए चारों सेंटेंस हमारे सामने आएगा बच्चों हम लोगों के। द कैफे ओनर, यहाँ बच्चों द कैफे ओनर का प्रयोग किया गया है, और आमतौर पर डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जब हम किसके साथ करते हैं, जब कोई चीज डिफिनिट होती है मतलब उसके बारे में हम पहले सुन चुके होते हैं। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा गेस करेंगे फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, और ऑप्शन में दो ही ऑप्शन है, या तो ए से शुरू हो रहा है या तो डी से शुरू हो रहा है। तो आइए हम लोग सीधे सीधे डी चेक कर ले रहे हैं, और डी कह रहा है दिस कैफे विच है जस्ट ओपन इन टोक्यो इन इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। बच्चों कैफे पहले भी आया है हमने बताया ना, इसलिए हमें लगता है कि डी आपका करेक्ट स्टार्टिंग सेंटेंस होगा। आइए तो देखते हैं, जब कैफे के बारे में पहले बताया कि ये कैफे फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, जब ये बता दिया आपको तो इसके बाद क्यों नहीं है, क्योंकि यहां बताएगा कि हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक्स। अब जो है ये फेंट हार्टेड लोगों के लिए क्यों नहीं है, ये डरे हुए लोगों के कमजोर दिल वालों के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहां कह रहे हैं कि आप यहां पे अपनी ड्रिंक जो है
35 सांपों के साथ ले सकते हैं। इसीलिए सांपों के साथ मतलब डरे हुए लोग तो रहेंगे नहीं, तो ये आपका क्रम सही है। अब जो है इसके बाद अगले सेंटेंस में बच्चों स्नैक्स के बारे में ही बताएगा, वही हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। और बी नंबर ऑप्शन आपका मिल रहा है, नन ऑफ देम आर वेनोमेनस। वेनोमेनस मींस होता है बच्चों विषैला। तो ये 35 स्नैक्स की जो बात कर रहा है वही कह रहा है कि उसमें से कोई भी विषैले नहीं है। तो डी सी बी हमारा जहां मिलेगा बच्चों वही करेक्ट आंसर होगा। और यहां पे हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों वो ग्रामेटिकल एरर है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउथ अफ्रीका। ये कह रहा है कि जो एक साइक्लोन है इडाई नाम का, इसने 157 पीपल को इससे मतलब कि नुकसान हुआ, और वो कहां के थे, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के थे, और उसके बाद इसने साउथ अफ्रीका में भी तबाही मचाई। तो यहां पे बच्चों आल्दो के जगह पे आल्सो प्रयोग होगा, आल्दो के जगह आल्सो आएगा बच्चों, भी का सेंस आएगा कि इसने जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में तो नुकसान किया ही किया, इसने साउथ अफ्रीका में भी तबाही मचाई। तो इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांडेड हायर वेजेस फॉर लॉन्ग टाइम। बच्चों जब आप टेंस पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाता है कि यदि जब फॉर के साथ, फॉर या सिंस के बाद एडजेक्टिव ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी देखिए बच्चों फॉर और एडजेक्टिव ऑफ टाइम अलॉन्ग टाइम का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये जो वर्ब है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है, द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री हैव बीन डिमांडिंग होगा बच्चों, हैव बीन डिमांडिंग, डिमांडेड के जगह पे होगा बच्चों हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस। बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है, कनाडा इज इन 3 टाइम्स ऑफ इंडिया डैश इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 मिलियन। बच्चों और 4 ऑप्शन है, सो बट अंटिल बिकॉज। तो यहाँ पे बट आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि सेंस वाक्य का ये आएगा कि कनाडा जो है इंडिया से 3 टाइम्स 3 गुना बड़ा है, बट परंतु इसकी पॉपुलेशन क्या है बच्चों, केवल 26 मिलियन है। आगे बच्चों देख, द एवरेज डैश ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन के लिए बच्चों डेंसिटी का प्रयोग, इसलिए आपका डेंसिटी सही होगा बच्चों, मतलब आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। और वाक्य बनेगा, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कम 3 से भी कम लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, डैश कनाडा, डैश यहाँ पे किलोमीटर के बाद डैश है, फिर कनाडा है, और कनाडा से पहले निश्चित रूप से कनाडा की ही बात हो रही है, तो इन का प्रयोग होगा, मतलब कनाडा में रहते हैं 3 से भी कम लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बच्चों इन होगा, और इन हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, आगे कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली, और 4 ऑप्शन है बच्चों, डेफरिंग इनफ्रिक्वेंट रफ और अनइवन। अनइवन मीन्स होता है बच्चों मतलब बराबर नहीं है, इवन नहीं है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है मतलब कहीं कम लोग हैं कहीं ज्यादा लोग हैं, ऐसे है। नियरली 80% ऑफ पीपुल डैश इन अ नैरो बेल्ट, कह रहा है कि, और 4 ऑप्शन है, लाइव रिमेन सर्वाइव और सबसिस्ट। तो यहां पे आपका लीव ही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, इसका मतलब होगा कि 80% के लगभग लोग जो है वो क्या कहते हैं, नैरो बेल्ट में रहते हैं, सकरे बेल्ट में रहते हैं। तो इस तरह से आपका क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट हुआ बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स पूछ रहा है बच्चों क्रॉनिक का। क्रॉनिक मींस होता है पुराना, जो
बहुत पुराना हो, जैसे आमतौर पे डिजीज के लिए लोग कहते हैं क्रॉनिक केस है, क्रॉनिक डिजीज है, मतलब किसी के कोई रोग है जो कि बहुत पुराना उसके अंदर है, उसके शरीर में, इसके लिए क्रॉनिक का प्रयोग होता है। और इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों परसिस्टेंट, परसिस्टेंट करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पैसिव वॉयस सेलेक्ट करना है, मतलब ये सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव वॉयस में है। आइए बच्चों देखते हैं, डू नॉट बाई मेडिसिन, डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। बच्चों जब इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग होता है तो हम इसको नॉट टू या शुड नॉट में बदल देते हैं, और शुड नॉट हमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही मिल रहा है बच्चों। एक तरह से ये एडवाइस है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हमें दवाएं नहीं लेनी चाहिए, और इसी को पैसिव वॉयस में बदल देंगे, मेडिसिंस शुड नॉट बी ब्रॉट। ब्रॉट जो होता है बच्चों वो थर्ड फॉर्म होता है बाई का, बॉट जो है थर्ड फॉर्म होता है, तो बॉट विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इस तरह से फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज कंपनी हैज द डैश ऑफ producing the best cricket ball in the country, brand position reputation opinion, reputation आपका correct answer होगा बच्चों। His company has the reputation, उसकी ऐसी reputation है कि वो best cricket ball produce करता है। चलिए बच्चों next question idioms है, to play ducks and drag, मतलब होता है बच्चों to be फ्रेंडली, किसी के साथ मित्रवत व्यवहार करना। और लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है सेलेक्ट द एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स किसका पूछ रहा है, एक्सपेंशन का। बच्चों एक्सपेंड मीन्स होता है किसी चीज का विस्तार करना, एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, और कॉम्प्रेस मीन्स होता है उसको दबा देना, छोटा करना, तो एक्सपेंशन का एंटोनिम्स हो जाएगा बच्चों कॉम्प्रेशन। इस तरह से एक सेट हम लोगों का और सॉल्व हुआ बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।